के बाद तुम। भारतीय इतिहास के सबसे अय्याश राजा और रानी। दोस्तों, जब इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो हमें ऐसे कई सारे राजा और रानियों के बारे में पता चलता है जो इतने बहादुर थे कि उन्होंने बिना डरे ही दुश्मनों की हालत खराब कर दी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने राजा की गद्दी संभालने के साथ साथ अय्याशी भरी जिंदगी का लुत्फ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब हम आपको उन राजा महाराजाओं के बारे में बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाने में खंजूसी मत कीजिएगा। भूपेंद्र सिंह। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ अय्याशियों में ही निकला। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय बिताना था। सुंदर लड़कियां और उनके साथ की जाने वाली मस्ती के अलावा राजा को और किसी भी चीज से मतलब नहीं होता था। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने कुल 5 शादियां की थीं, लेकिन इनकी जिंदगी 5 औरतों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि पत्नियों के अलावा अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए इन्होंने 350 रखेलें रखी थीं, और कुल मिलाकर महाराजा भूपेंद्र सिंह के 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्याशियों का पता इस बात से भी चलता है कि वो फ्रेंच ब्यूटीशियन, इंडियन प्लास्टिक सर्जन, सुनार और फैशन डिजाइनर जैसे लोगों के साथ मिलकर अपनी रखेलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। और इन सारी बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में हुआ है, जिसमें उन्होंने राजा महाराजाओं के किस्से खुलकर बिना किसी झिझक के लोगों के सामने रखे हैं। जर्मनी दास ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपनी नहाने की जगह पर राजा नग्न महिलाओं और मदिरा के साथ जमकर मौज मस्ती करते थे। इस तरह के आयोजन में राजा नग्न महिलाओं के सीने पर शराब डालकर उसका सेवन करते थे। उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। अब इन सारी बातों को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि महाराजा कितने शौकीन किस्म के इंसान थे, और होंगे भी क्यों नहीं। इनके पास बेशुमार दौलत थी, यहाँ तक कि आजादी के बाद जिस शानदार बग्घी पर बैठकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भवन गए थे, मतलब राष्ट्रपति भवन, वो महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही थी, शाहजहां। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सातवें अजूबे के रूप में प्यार की अद्भुत निशानी देने वाले शाहजहां की, जिन्होंने अपनी बेगम के लिए एक ऐसा खूबसूरत ताजमहल बनवाया कि दुनिया आज भी इसकी दीवानी है और लोग इसी ताजमहल पर आकर प्यार की कस्में वादे खाते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि इसे बनवाने वाला शाहजहां एक प्रेमी नहीं बल्कि सनकी इंसान था। पहली बात तो मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई, जो कि किसी पागलपन से कम नहीं था, क्योंकि एक महिला द्वारा इतने सारे बच्चों को साल दर साल जन्म देना उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ के अलावा और कुछ नहीं है। और आपको तो पता नहीं, लेकिन हम इस तरह की चीज को प्यार का नाम तो नहीं दे सकते। दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां मुमताज की खूबसूरती का इतना कायल था कि मुमताज की शक्ल देखे बिना शाहजहां का दिन नहीं गुजरता था। इसलिए वो अपने किसी और बेगम के साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहता था, और इसीलिए उसने अपनी सबसे मनपसंद बेगम की जिंदगी नरक बना दी थी। लेकिन बादशाह साहब यहीं नहीं रुके। मुमताज की मौत के बाद भी इन्होंने करीब 8 और शादियां की, और इनके बेगमों के अलावा इनके हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं जिनके साथ ही अपनी रातें रंगीन करते थे। अब हमें तो शाहजहां की ये मोहब्बत समझ नहीं आती, जहां एक तरफ वो अपनी बेगम के नाम पर सफेद संगमरमर का शानदार ताजमहल बनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों महिलाओं के साथ अय्याशियां कर रहे हैं। वैसे आपकी नजरों में शाहजहां क्या है, अय्याश या फिर आशिक? जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में आकर दें। मीर उस्मान अली खान। दोस्तों, हमारी सूची का अगला नाम है हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान का, जो अपने समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल थे। इनकी ठाट बाट और ईजी देखकर बड़े बड़े राजा महाराजाओं की आंखें बटन की तरह बाहर निकल आती थीं, और इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि वो 185 कैरेट के हीरे का इस्तेमाल केवल अपनी टेबल पर पेपर वेट की तरह करते थे, जिसका साइज शतुर्मुख के अंडे जितना था, और वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हीरा था। अब ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि इन्होंने कुल मिलाकर कितनी शादियां की थी, लेकिन इनकी 3 दर्जन से ज्यादा औलादें मौजूद थी। और 22 साल की उम्र में जब इन्होंने आज मुंसिया बेगम से अपनी पहली शादी की थी, तो मेहर के रूप में इन्होंने 128 किलो सोना दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इन्होंने अपनी शादियों और अपनी बेगमों पर कितना पैसा खर्च किया होगा। आपको बता दें कि निजाम के पास 14,718 कर्मचारी थे और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड्स थे।
सिर्फ इनके महल के झूमर को साफ करने के लिए 38 लोगों का स्टाफ था। वैसे अपनी बेशुमार दौलत के अलावा निजाम मीर उस्मान अपनी शायरी और दयालुपन के लिए भी बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, जो लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते थे। तभी तो कहा जाता है कि निजाम मीर उस्मान की अंतिम यात्रा में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। गायत्री देवी, दोस्तों बात करते हैं महारानी गायत्री देवी की। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण कूच बिहार के महाराजा नृपेंद्र नारायण के छोटे भाई थे। वहीं इनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के मराठा राजा सयाजी राव गायकवाड़ की इकलौती बेटी थी। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इनकी मां इंदिरा देवी की जिंदगी भी कई सारे किस्से कहानियों से भरी पड़ी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इतने बड़े राजघराने से ताल्लुक रखने वाली गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शान शौकत से पली बढ़ी थी और इनके महल में लगभग 500 से भी ज्यादा नौकर काम करते थे। बाकी रानियों के ठीक विपरीत ये ना सिर्फ बहुत ही खूबसूरत थीं, बल्कि इन्हें गाड़ियों शिकार का भी बहुत शौक था। कहते हैं कि जब इन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया था तब इनकी उम्र मात्र 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी बेहतरीन शिकारी होने के साथ साथ बहुत ही शानदार घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थी। इनका गाड़ियों का शौक इतना ज्यादा था कि भारत में पहली बार मर्सिडीज बेंज W126 और मर्सिडीज बेंज 500 SEL को लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी शानदार गाड़ियों के अलावा महारानी गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। अब आप इनके शौक को देखकर समझ ही सकते हैं कि इनकी शख्सियत किसी फिल्मी कैरेक्टर से कम नहीं थी। सर मोहम्मद रसूल खान, दोस्तों बातें हैं जूनागढ़ के नवाब रसूल खान पर। ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब रसूल खान के पास 800 से भी ज्यादा कुत्ते थे। इन सभी कुत्तों के लिए अलग अलग 800 कमरे और पर्सनल मुलाजिम थे। जब कुत्ते बीमार पड़ते थे तो उन्हें इंग्लैंड ले जाकर इलाज करवाया जाता था, और अगर कोई कुत्ता मर जाता था तो उसके लिए एक दिन का शोक रखा जाता था। दोस्तों जहां हम और आप आजकल शादियों में 20-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जूनागढ़ के ये नवाब उस समय सिर्फ अपने कुत्तों की शादियों में ही 20 लाख रुपए खर्च कर देते थे, जिसकी कीमत आज के समय में करोड़ों में गिनी जाएगी। अब आप समझ जाइए जो बंदा अपने कुत्तों पर इतना सारा पैसा खर्च करता था वो अपनी जिंदगी किस तरह जीता होगा। किशन सिंह, जूनागढ़ के नवाब की तरह ही भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अपने अजीब और गरीब शौक के लिए जाने जाते थे। पहली बात तो इनकी एक दो नहीं पूरी 40 रानियां थीं, और जब हम आपको इनके शाही शौकों के बारे में बताएंगे तो आप चक्कर खा जाएंगे। दीवान जर्मनी दास ने महाराजा किताब में किशन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई पन्ने लोगों के सामने रखे। पहली बात तो किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था, और इसी शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने गुलाबी संगमरमर वाली झील बनवाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां बनी थी। और असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि राजा अपने दो शौक को एक साथ पूरा करते थे, पहला तो स्विमिंग करने का और दूसरा अपनी दासियों के साथ मौज मस्ती करने का। तभी तो राजा के स्वागत में निर्वस्त्र स्त्रियां सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी, और फिर राजा स्त्रियों के साथ संबंध बनाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी रानियां अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर नाचती थीं, और जिस रानी की मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलती थी राजा किशन सिंह उसी रानी के साथ रात बिताया करते थे। इंदिरा देवी, अब बात करते हैं हमारी सूची के आखिरी नाम की। बड़ौदा के राज परिवार में जन्मी महारानी इंदिरा देवी का जीवन कई सारे उतार चढ़ाव से भरा रहा। सबसे पहले तो इनका विवाह ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया से तय हुआ, लेकिन ये कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई के प्यार में ऐसी पड़ी कि इन्होंने इतना बड़ा रिश्ता तोड़ दिया। जितेंद्र और इंदिरा शादी के बाद लंदन चले गए, जिसके बाद दोनों ने पूरे यूरोप के सालों तक सैर की। इंदिरा ज्वेलरी और कपड़ों की शौकीन तो थी ही, लेकिन इन्हें जूतों का सबसे ज्यादा शौक था। तभी तो इन्होंने अपने सबसे पसंदीदा शू मेकर साल्वाटोर फेरागमो को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से कई जूतों में तो हीरे जेवरात भी जड़े थे। अब आप ही सोच लीजिए, महारानी अपने हीरे जेवरात जड़े जूतों को पहनती होगी, उसकी कितनी ठाट बाट होती होगी। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे शौकीन राजा और रानियां। अब इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।